हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो आपने अभी तक मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब और शेयर आप जल्द से जल्द आप कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स बस बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और शेयर जल्द से जल्द आप कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रेडमी नोट 9S के ऊपर एक न्यू इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि रेडमी नोट 9S में अभी MIUI का 12.0.3.0 का इंडिया ग्लोबल स्टेबल अपडेट चल रहा है विद एंड्रॉयड 10, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, आज हमें रेडमी नोट 9S और रेडमी नोट 9 प्रो में ग्लोबल स्टेबल में MIUI का एक न्यू अपडेट देखने को मिल गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और फ्रेंड्स, उस अपडेट का जो कोड वर्जन है वो हमें MIUI का 12.0.6.0 का QJWMIXM का ग्लोबल स्टेबल अपडेट देखने को मिल गया है फॉर Redmi Note 9S ग्लोबल यूजर्स। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट वो बहुत ही अच्छा अपडेट हमें देखने को मिलता है, और इसका शायद हमें 607 MB का देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट आपके मोबाइल में भी आ गया होगा, तो आप इसे जल्द से जल्द आप अपडेट का कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप इस फोटो में देख सकते हैं MIUI 12.0.6.0 स्टेबल 607 MB, और इसमें हमें मार्च 2021 का ऑफिशियली सिक्योरिटी पैच भी देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, इस अपडेट में हाँ हमें केवल सिक्योरिटी पैच ही न्यू देखने को मिलता है, और इसमें बाकी में हमें बग के फिक्सिंग देखने को मिल जाती है, जो कि एक ठीक ठाक सी बात है। तो फ्रेंड्स, अगर ये अपडेट आपके फ़ोन से जा चुका है तो आपको सिंपली OTO रोम को डाउनलोड कर लेना है, और फिर आपको सिंपली अपने मोबाइल की सेटिंग्स को खोल लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली अपने मोबाइल में सेटिंग्स को खोलना है। सेटिंग्स को खोलने के बाद आपको सिंपली अपने अपडेटर सेक्शन में जाना है, और MIUI के लोगो पे आपको 12 टाइम्स वो करना है टैप, ताकि आपके एडिशनल अपडेट फीचर्स ऑन हो जाएं। फिर आपको सिंपली चूज अपडेट पैकेज में जाने के बाद आपका वो डाउनलोडेड रोम आपको वो सिंपली सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आप MIUI के 12.0.6.0 के बूट हो जाओगे MIUI 12.0.3.0 से Redmi Note 9S में। आपके मोबाइल में ये 12.0.6.0 का वर्जन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करके जाना।